मुझे गहरा दुख है कि हिंदुस्तान की सरकार ने पहले तो हमारे किसानों पर हमला किया था, अभी हम वो जो नुकसान हुआ है उसको पूरा भी नहीं कर सके, लेकिन दूसरा बड़ा हमला किया है कि 50 किलोमीटर एक्सटेंड कर दिया बॉर्डर पर, बीएसएफ का कंट्रोल होगा। बेशक एग्रीकल्चर है या लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, वो स्टेट सब्जेक्ट है, उसमें स्टेट ही फैसले कर सकते हैं, लेकिन दुख की गल है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है उसके बरखिलाफ जाकर ये दो बड़े फैसले किए। मैं चाहता हूं कि पंजाब की जो पार्टीज हैं वो इकट्ठे होकर इसके खिलाफ लड़ें। अब ये होगा कि आधा पंजाब जो है, खास करके बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, वो लॉ एंड ऑर्डर के मसले में उनके हाथ में आ गए। हरमंदिर साहब, दुर्गयाना मंदिर और तरन तारण साहब ये और बहुत सारे सैकड़े जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उनकी भी सर्च वगैरह ये कर सकते हैं। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी को अपील करता हूं कि पंजाब पर रहम करें और पंजाब को जो आगे जख्म गहरे हैं उन पर और मिर्च छिलने का काम ना करें। ये मेरी अपील है उनको, और पंजाब की पार्टी को भी अपील है कि वो अलग अलग सिर्फ अपना दायरा बयान देने पर ना रखें, इकट्ठे होके इस दोनों बातों के लिए लड़ें। हमें ये नहीं कि हमको आगे लगना चाहते हैं, अगर कोई दूसरी पार्टी इसको लीड करे तो हम उसका साथ दे सकते हैं।